और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, और सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच में अंतर। फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है शीघ्र गणना करना, और कैलकुलेटर शब्द लैटिन भाषा के कैलकुलेयर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है काउंटिंग करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट, कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कंप्यूटर के अंदर हम न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल दोनों वर्क कर सकते हैं। डाटा आप बोथ टाइप कर सकते हैं, नंबर में भी अल्फाबेट में भी, लेकिन कैलकुलेटर में ओनली हम न्यूमेरिकल डाटा स्टोर कर सकते हैं, सॉरी डाटा टाइप कर सकते हैं, स्टोर नहीं टाइप कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर में अल्फाबेट और नंबर दोनों वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी होती है, रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, डाटा स्टोर कर सकते हैं। कैलकुलेटर की मेमोरी नहीं होती, कैलकुलेटर में डाटा स्टोर नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है स्टोर, कंप्यूटर के अंदर अनलिमिटेड मात्रा में डाटा सेव कर सकते हैं, सेव की गई फाइल मैटर इन फ्यूचर में हम कभी भी ओपन करके देख सकते हैं, जबकि कैलकुलेटर के अंदर हम डाटा स्टोर करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कंप्यूटर की अपनी स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे हम वीडियो चला सकते हैं, ग्राफिक्स काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग पर्पज का काम कर सकते हैं। कैलकुलेटर में हम वीडियो नहीं चला सकते, ग्राफिक पर्पज का कोई वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, डाटा चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई बिल बनाते हैं एक्सेल में, कोई भी डाटा चेंज करते हैं, कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, तो उसी टाइम टोटल में भी चेंज हो जाता है, लेकिन कैलकुलेटर में आपको बीच में से किसी वैल्यू में चेंज हम करते हैं तो टोटल में चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, कंप्यूटर के अंदर हम गैजेट्स यूज करते हैं, पेन ड्राइव है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, या फिर प्रोजेक्टर होता है, लेकिन कैलकुलेटर में हम गैजेट्स यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टूडेंट, कंप्यूटर वेरी हाई स्पीड ऑफ वर्क करता है, वेरी हाई स्पीड, स्पीड कैलकुलेटर की भी होती है लेकिन कंप्यूटर की वेरी हाई स्पीड, सीपीयू की काम करने की जो क्षमता होती है वो नैनो सेकंड की होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, कंप्यूटर न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल या लॉजिकल वर्क करता है। लॉजिकल वैल्यू जैसे कि आप, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, कंप्यूटर जो है इस टाइप का वर्क कर सकता है, जबकि कैलकुलेटर में हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, कंप्यूटर के अंदर ऑडियो वीडियो
ग्राफिक्स, पिक्चर, ये सारी चीजें यूज होती हैं। कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा हम सेव कर सकते हैं, इन डाटा को, इंफॉर्मेशन को, सूचना को सेव कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर हम अपना डाटा स्टोर, इंफॉर्मेशन को सेव करके कैलकुलेटर के अंदर हम नहीं रख सकते। कंप्यूटर में डाटा कुछ भी चेंज करते हैं तो वो टोटल में एडिशन में शो हो जाता है, कैलकुलेटर में चेंज करते हैं वो शो नहीं होता। दोबारा से देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर में डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं। सेकंड पॉइंट है, कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, डाटा अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं, स्टोर किया गया, सेव किया गया डाटा हम कभी भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते। आगे है, कंप्यूटर में अपनी स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे हम वीडियो चला सकते हैं, ग्राफिक्स, पिक्चर देख सकते हैं। कैलकुलेटर में हम पिक्चर नहीं देख सकते, वीडियो नहीं चला सकते। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के अंदर हम गैजेट्स यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ETC। कैलकुलेटर के साथ हम गैजेट्स ज्वाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कंप्यूटर न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल दोनों काम करता है, कैलकुलेटर ओनली नंबर पे काम करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कंप्यूटर लॉजिकल और मैथमेटिकल वर्क करता है। कैलकुलेटर में हम लॉजिकल वर्क नहीं कर सकते, जैसे आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर a² + b² + 2ab सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर के अंदर हम इस ऐसे फॉर्मूला को सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर को फर्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर एक मशीन है जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, जबकि ह्यूमन बीइंग को भगवान ने बनाया है, गॉड गिफ्टेड है। सेकंड पॉइंट है, कंप्यूटर हाई स्पीड से वर्क करता है। कंप्यूटर में हम कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग्स को कई दिनों के बाद या ज्यादा अनलिमिटेड मात्रा का डाटा याद नहीं रहता, भूल जाता है। कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती, ह्यूमन बीइंग्स में फीलिंग होती है। कंप्यूटर में IQ नहीं होता, खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती, ह्यूमन बीइंग्स में खुद की सोचने की क्षमता होती है, मतलब फीलिंग्स होती है, IQ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता, जैसी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वैसी रीड करके आंसर देता है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स से मिस्टेक हो जाती है। कंप्यूटर हाई स्पीड ऑफ वर्क करता है, ह्यूमन बीइंग्स कंपेयर बाय कंप्यूटर के स्लो वर्क करता है। और भी चीजें स्टूडेंट्स, मशीन है तो मशीन की तरह ही काम करेगी, एक और पॉइंट है स्टूडेंट, कंप्यूटर सोच नहीं सकता, ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड होता है, मनुष्य सोच सकता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में ये दो ही टॉपिक कराएंगे आपको, इनमें से आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया आप पूछ सकते हैं।
डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर और डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।